अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखें ये मेरे दोस्त आए हुए हैं साहिवाल से। तो दो शागिर्द हैं और हम इस बाग में जा रहे हैं शहद उतारने के लिए। तो ये गावा का बाग है, ट्री यानी कि अमरूद का बाग है। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें से कैसे शहद उतारते हैं ओरिजिनल। और ये दोस्त हैं, इनकी भी ख्वाहिश है कि हम देखना चाहते हैं कि कैसे शहद उतारते हैं ओरिजिनल, हम देखना चाहते हैं। तो चले आएँ, आपको दिखाते हैं जी, आएँ। ये देखें जा रहे हैं दोस्त, अभी ये अमरूद का बाग है। तो आप पहले भी मेरे बाग देखते तो हैं माशाल्लाह, ये बहुत, ये भी खूबसूरत बाग है अमरूद का। तो इसमें से अभी उतारेंगे शहद, दिखाते हैं जी आपको इंशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये दरख्त है, इसके ऊपर आम का दरख्त है, इसके ऊपर लगा हुआ है जो मखील। तो ये भाई हसन है जो साहिवाल से आए हुए आज देखने के लिए हमें। तो आप अरसलान भाई हैं, तो आज इन्होंने हमारा टैलेंट देखना है कि कैसे उतारते हैं शहद। ये देखें जी, ये भी अभी जो मेरे शागिर्द ट्रेनिंग कर रहे हैं यार, अभी ट्रेनिंग में हैं। तो जो आप मेरी वीडियो देखते हैं आप लोग, तो वो किसी और स्टाइल की होती है। बहरहाल आज देखें, हसन साहब आप इधर आएँ, थोड़ा मेरे पास हैं, मैं आपको दम कर दूँ ताकि आपको मक्खी नहीं लड़ेगी कोई इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइज़ा बताश तुम जब्बारीन, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। वाइज़ा बताश तुम जब्बारीन, वाइज़ा बताश तुम जब्बारीन। लो जी, कुरान जो है वो हक है, अपनी एक किताब है जो मुसलमानों की, वो बरहक है, हर जगह पे चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप मुझसे सीख के आप उतारना चाहेंगे तो आप भी उतार सकते हैं। तो आप इधर इधर खड़े हो जाएं, मैं थोड़ा सा उधर जाता हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लूँगा। तो आप इधर वेट कर। और एक बात आपने याद है, किसी मक्खी को आपने टाँट वगैरह चाट नहीं मारनी है, मक्खी आए ना आपकी तरफ मिसाल तौर पर, तो आपने हाथ नहीं मारना उसको। अगर किसी चीज़ को हम हाथ लगाएंगे, मारेंगे ना किसी चीज़ को, तो फिर वो बदला तो हर चीज़ लेती है। आपने बस इधर ही खड़े रहना, मैं नीचे खड़ा हूँगा तो आपको ज़्यादा हौसला हो जाएगा उधर। तो ये लेखें अब्बास भाई ने ऊपर कासम साहब को ऊपर चढ़ा दिया। तो ये देखें माशाल्लाह, अब्बास भाई दम करो यार, कासम भाई दम तो कर लो। पर किधर चले गए हो यार, ये तो पहले भी उतरे हुए हैं। मेरे क्या शक्न मक्खियां, ये कर रहे हो बात, चलो ठीक है। आप कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? कासम साहब दम नहीं किया यार मक्खियों को। हेलो, क्या किया उस्ताद? आपने हाथ नहीं लगाना यार, मक्खी आपको काटेगी नहीं, ऐसे आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं यार। दम कर लो, ये बाहर वाली मक्खी जो तंग कर रही है कासम। जो बाहर से मक्खियां आती हैं वो तंग कर रही हैं। आ लो भाई, वो तंग तो करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। जो बाहर से आती है ना, उनको भी दम करना होता है ना कासम भाई। कासम ये एक दफ़ा धुनी पकड़ाओ यार। हेलो, हाँ तुमने यार स्टार्टिंग से जो इधर खड़े होके आपने दम करना था वो किया नहीं आपने। हाँ लगा दो अच्छी तरह यार। नहीं तू बना यार, तू ना स्टार्टिंग तो थोड़ा जहा ना काम खराब किया है दीदी, वजह तो बाहर वाली मक्खियां तंग कर दी पी। अब्बास हाँ जल्दी कर, बाहर वाली मक्खियां आ गई। आप कहाँ जा रहे हैं?
शुक्ला पर क्या बात परले पास बिस्मिल्लाह ले लाल सखी शहबाज कलंदर इत हो गया जी बस करो ज्यादा हो फिर शायद अरे हथ परे कर यार हथ परे भर दी पाई डरो ना सा चिल्ला याद करके सुट दे बोतल दे विच सुभान तेरी कुदरत ला चवान हम रोजाना तेरा काम है बस कर दो बस कर दो किलो हो गई चल लोई चौहान साहब नु बर बोतल फड़ाओ ना तेरा एक बारी लो भाई भाई खा ले से शायद तो आया मजा देखने का शायद उतारते हैं कैसे तो मैंने अभी नकाब किया भाई यार वो मुझे ना स्मेल आ रही है सिरगढ़ की सिरगढ़ की स्मेल आ रही है इसलिए ना तो मेरे भी एक दो मक्खियां लड़ी हुई हैं आप खड़े रहे आपको मक्खियां लड़ी कोई नहीं नहीं लड़ी ना नहीं लड़ेगी इंशाल्लाह मजा आया आपके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह चले जी।